हाँ ज्योति बोलो। सर यस हेलो ज्योति, यस यस। सर, मैं बोल रही हूँ कि वो सर लोडिंग में जब वो वीक लोड यूडीएल जब मैं सिलेक्ट किया हूँ लोग लगाने टाइम, वो पूरा फिक्स सपोर्ट पूरा वैनिश हो गया, फिर से सर लगाना पड़ा, फिर आप जब चेक किए तब डबल हो गया, तो सर ऐसा क्यों हुआ? ब्रिक का लोड एक बार लगाया, डिलीट हो गया, फिर दोबारा लगाया ऐसा? ब्रेक का लोड लगाने के टाइम जब पूरा सिलेक्ट किया तब फिक्स सपोर्ट नीचे से डिलीट हो गया, फिर हाँ लास्ट में फिर से वो दो बार लगाना पड़ा, और फिर सर मैं जब चेक किया तब देखा कि ऐसा कुछ नहीं है, और आपने जब चेक किया तब भी दिखाया, मेरा कोई वार्निंग भी सर नहीं दिखाया था। ओके, हो सकता है सेव करते समय सेव ना हुआ हो डाटा, ठीक है, डबल हो गया हो, पर रूल के अकॉर्डिंग तो समझ आ गया ना कि क्यों नीचे सपोर्ट देना है। यस सर, और एक क्वेश्चन है हाँ सर, बोलो। ऑटो कैड वगैरह मेरा तो 1 वीक का असाइनमेंट छूटा छूट हुआ गया था। हाँ सर, क्या नहीं सर मैं अभी भेज यस सकती यस हूँ अभी? बिल्कुल, अरे दैट विल बी गुड, ठीक है, क्या बोलते थैंक यू सर। हैं, बिल्कुल भेजो, ठीक है भेजो, आई विल चेक दैट, ठीक है, ओके सर 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 1 मिनट हाँ बोलो बोलो बोलो, वन नहीं सर तुम्हारे पास आधा घंटा है, बोलो। सर सर वो जो स्टेयर वाला एक केस था वो ऑटोकैड में सर, उसमें थोड़ा सा मतलब तो प्रॉब्लम आया, तो सर मेरा लैपटॉप में मैं जब करने जा रही हूँ वो एलिवेशन के टाइम सर फ्रंट वाला कुछ कुछ मतलब नहीं हो रहा है सर, मुझे पूरा फाइल जो जॉइन में बन सर। जो बनाया हुआ है उसको फाइल भेज देना, और वहाँ पर ना एक रिवीजन क्लाउड, एक क्लाउड होता है, कमांड होता है रिवीजन क्लाउड, ऑटो कैड की क्लास में मैंने पढ़ाया हुआ है, रिवीजन क्लाउड कमांड से वहाँ पर लिख देना कि क्या बोलते हैं यहाँ पर ये करना है, बट कंपनी के अंदर ऐसे लिखा जाता है, रिवीजन क्लाउड कमांड लेना, एक कमांड बन जाएगा, लिख देना कि सर कैन यू डू दिस लाइक आई एम फेसिंग दिस दिस प्रॉब्लम, ऐसा करो मुझे फाइल को भेज दो और मैं उस प्रॉब्लम को ओके सॉल्व करके सर दिखा देता हूँ। सर सर एक्सेल फाइव स्टैट का भी बनाना है यस ऑफ कोर्स, अभी स्टार्ट नहीं किया क्या? सर? हाँ स्टार्ट कर दिया, हाँ स्टार्ट कर दो, ऑटो वेरी कैड भी गुड कंप्लीट हो गया सर। वेरी गुड वेरी गुड। ये एक्सेल फाइल क्यों है, क्योंकि क्या होगा कि कल को तुम्हारा इंटरव्यू है, ठीक है, तो अब तुमको रिवीजन करना है, तो कौन से टॉपिक को रिवीजन करना है, मैंने टॉपिक का नाम बता दिया, अब तुम लेक्चर खोजोगी कौन सा लेक्चर था, ये कौन सा लेक्चर था, टाइम जाएगा ना, ठीक है, और दूसरी चीज़ जब तुम सर एक्सेल नेक्स्ट शीट मॉक मॉक, बस शायद सर्विलेंस कल या परसों में हो सकता है, ठीक है, बिफोर फ्राइडे, ओके सर ठीक है, आई विल जस्ट गिव द सरप्राइज, दैट्स व्हाई आई एम नॉट टेलिंग यू राइट नाउ, बट इन टुमारो और डे आफ्टर टुमारो, ओके, इट मे बी, इज देयर ऑटो करेंट स्टैट बोथ यस बोथ, वट एवर वी सर? फिनिश राइट नाउ दैट एवरीथिंग। ओके सर सर रिज्यूम कैसे बनाना है सर, वो अरे आई क्लास में जस्ट मिस कर आई दिया था। जस्ट ओके नो इशू, आई जस्ट गिव यू द फॉर्मेट, यू कैन जस्ट एडिट फ्रॉम दैट फॉर्मेट, दैट्स इट, ओके सर, थैंक यू सर। ओके जी, या ठीक है, सो बोल रहा मैं एक्सपीरियंस हूँ, यस सर, नेवल टेस्ट वाला मॉक कब होता है, यस मैं कभी भी मॉक बताता नहीं, क्योंकि आई वॉन्ट कि एनी टाइम्स आपको कभी ऐसा हो जाए कि वॉर करने के लिए रेडी होना है, तो फिर आपको टेंशन ना रहे। तेजस कुछ बोलना चाह रहे हैं, यस तेजस बोलो, कैसे बनाने हैं, मैं भेज दूंगा एजान फॉर्मेट, उस पर देख के बस बना लेना सिंपल। हाँ तेज बोलो। हाँ सर, मुझे एक कंपनी से कॉल आया था, अच्छा ASTC इंजीनियर से, वो ओके ओके टावर ट्रांसमिशन टावर डिजाइन करते हैं, ओके, तो वो कंपनी सर बानेर में है और मैं कोंडवा में रहता हूँ, तो मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि क्या करूँ इतने से। कितना दूर है बानेर से कुंडवा यार? 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर ना, तो इट्स नॉट टू फार ना, कर लो, गाड़ी है कि नहीं मेरे पास बाइक, है सर। तब क्या टेंशन है, यू आर यंग बॉडी ना, सो मुश्किल से 20 किलोमीटर मतलब क्या है, आधा घंटा है ना, बहुत बड़ा यस नहीं है, सर, ठीक है, अब ऐसे तो है नहीं, सर हम हमारे बगल में कंपनी मिलनी जरूरी नहीं है, बोलो। वो ट्रांसमिशन टावर कंपनी है, मतलब वो डिजाइन करती है, और मुझे ज्यादा इंटरेस्ट बिल्डिंग्स में था, इसलिए आपको करना भी है मुझे, वैसे कोई बात नहीं है, कभी आपसे सजेशन चाहिए था। कि वो टावर में है और ये बिल्डिंग में हम तैयारी कर रहे हैं ऐसा, हाँ ठीक है, माय सजेशन इज क्या बोलते हैं, जस्ट क्रैक द इंटरव्यू, ठीक है, एंड टेक एन ऑफर लेटर, देन विल डिस्कस कि करना है कि नहीं करना है, ओके सर। ठीक है, सर मैं आपको मैसेज भी है व्हाट्सएप पे कंपनी डिटेल से सब ओके, एक अभी मैं देखता लिंक हूँ, अभी मैं चेक देखता कर हूँ, दी। ठीक है, ओके तो सर हमेशा याद रखो कि फर्स्ट ऑफ ऑल टेक एन ऑफर एंड आफ्टर दैट डिसाइड कि मुझे करना है कि नहीं, क्योंकि यू अचीव दैट थिंग्स, ठीक है,
मतलब कि सबसे बड़ी बात है ना कि ये करना है तो मेरे को मैंने अप्रूव कर लिया, अब मैं करूँ या ना करूँ मेरी मर्जी। ओके सर। ठीक है चलेगा। यस ज्योति बोलो। सर आई एम ऑडिबल? यस यू आर। सर मेरा कॉलेज में कोलकाता में वो सिस्ट्रा का एक कंपनी है, ट्रांसपोर्टेशन सब्जेक्ट बेसिस। सर उसमें डिज़ाइन का स्ट्रक्चरल इंजीनियर रिक्वायरमेंट है। सर कैन आई सेंड माई रेज्यूम इन दिस यस कंपनी? यस एवरी कंपनीज क्रैक द इंटरव्यू। ज्वाइनिंग करना है कि नहीं लेट मी डिसाइड। सर सर आफ्टर आई इफ आई नॉट ज्वाइन दैट कंपनी माई कॉलेज विल ब्लॉक मी फर्दर प्लेसमेंट। ओके सो दैट कंपनी इज रिलेटेड टू ट्रांसपोर्ट। यस सर ओके एंड योर प्रोफाइल इज स्ट्रक्चर इंजीनियर। मल्टीनेशनल कंपनी। यस सर ओके योर प्रोफाइल इज स्ट्रक्चर इंजीनियर। यस ओके एंड व्हाट पैकेज विद दे आर ऑफरिंग। 4.8 सम 8 लाख समथिंग देन अराउंड। डेफिनेटली यू शुड डिजाइन गो फॉर दैट। ठीक है यू कैन गो फॉर दैट बिकॉज ऑफर इज गुड। ओके इफ रिक्वायर्ड तो सीधी सीधी बात कॉलेज तुम्हें ब्लॉक करेगा ना, पूरा इंडिया तो बाकी यस सर है। ओके दैट इज नॉट अ बिग डील। ठीक है अप्लाई करो क्रैक करो चलेगा। ये कंपनी कॉलेज वाले करते हैं। मुझे भी याद आया कि मेरा भी कॉलेज में प्लेसमेंट हो गया था, उसके बाद एक और कंपनी आई तो दे आर नॉट ऑफर्ड मी टू गो देयर फॉर नेक्स्ट कंपनी। आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। आलम बोले सर मटेरियल असाइन करने के लिए एक्सचेंज ओके करने में एक्सचेंज हो जाए कॉलम और बीम तो इसको एडिट करने में कोई वार्निंग आएगी। नहीं नहीं कोई वार्निंग्स नहीं आएगी, बिल्कुल आराम से कर सकते हो आलम। ठीक है यूनिंग में अभी देख रहे हैं संदेश, बहुत जल्दी ही प्लान कर रहे हैं वो यूनिंग वाली बैच खत्म हो तब हो। ठीक है प्रॉब्लम ये हो गई अभी मेरे घर पे चला गया था, फिर उसके बाद अभी फिर से एक बार जाना पड़ेगा गो इट फॉर्म। ओके ग्रेट ठीक है लेट डिस्कस। ठीक है ओके चलो अभी हमें क्या करना है, ट्रांसमिशन टावर डिजाइन कंपनी में कौन से इंटरव्यू के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है ट्रांसमिशन टावर में ज़्यादातर पाइल फाउंडेशन के बारे में पूछते हैं। ठीक है कनेक्शंस के बारे में पूछते हैं। स्टील स्ट्रक्चर्स के लिए आईएस कोड IS 801 यूज होता है, उसमें कोल्ड फॉर्म स्टील से टावर बनता है, कोल्ड फॉर्म स्टील से। तो कोल्ड फॉर्म स्टील के बारे में पढ़ लो, कनेक्शन के बारे में पढ़ लो। ठीक है एंगल सेक्शंस उसमें यूज होते हैं, देखा होगा एंगल सेक्शंस यूज करते हैं, उसके बारे में पूछ सकते हैं। विंड एनालिसिस के बारे में पूछेंगे, विंड स्टैटिक और विंड डायनेमिक दोनों पढ़ के जाना क्योंकि दोनों पूछेंगे वहां पर। ठीक है और क्या बोलते हैं दीज आर सम क्वेश्चन जो वहां पूछते हैं। ठीक है हाँ समीर हाँ शुभम बोलो। सर मुझे अगर मुझे अभी एक ऑफर सर अभी कल को मिला था स्ट्रक्चर के लिए, लेकिन क्या है सर कि मुझे बिम को थोड़ा और एक्सप्लोर करना है, करेक्ट तो सर मैं क्या करूँ। मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट 6 महीने तो और दूँ मैं बिम को, कि मैं जैसे प्रॉपर एक नॉलेज होनी चाहिए था। क्या तुम क्या ऑफर कर रहे हो, मतलब कौन सी कंपनी है? सर वो तो बेंगलुरु की कंपनी है, उन्होंने 25 के लिए बोला है, लेकिन सर सीन क्या है कि मैं अभी शिफ्ट वहां होना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि बिम को थोड़ा और एक्सप्लोर करूँ कि नहीं वो सेकेंडरी हो गया, एक्सप्लोर करना ना कभी भी सुबह खत्म नहीं होता है। ठीक है मैं खुद ही भी स्ट्रक्चर एक्सप्लोर कर रहा हूँ, तो मैं पढ़ा भी रहा हूँ एक्सप्लोर भी कर रहा हूँ, रीजन खत्म ही नहीं हुआ ना। ठीक है तो यस एक्सप्लोर सर तो छोड़ दो, एक्सप्लोर तो वो जिंदगी भर हम करते रहेंगे। एक लड़का है वो मुझे बहुत अच्छा लड़का है, तो बोलता है कि सर क्या बोलते हैं मैं जब पूरा मेरा एकदम पोर्टफोलियो स्ट्रांग हो जाएगा तब मैं अप्लाई करूंगा। अब उसके ट्रेनिंग के 4 महीने हो गए, अभी तक उसके स्ट्रांग उसको लग ही नहीं रहा है, और मुझे पता है उसका पोर्टफोलियो अच्छा है। तो ये कभी दिल नहीं आता कि हम एकदम सोचे कि हम परफेक्ट हो गए, है ना। तो वो छोड़ दो, तुम्हें जाना है बैंगलोर की नेपाल ये बताओ। ठीक सर है मुद्दा यहाँ पर फंसा एक्चुअली हुआ है। वही चीज है ना सर। हाँ ठीक है इफ यू नॉट इंटरेस्टेड टू गो इन बैंगलोर दैट इज द अनदर थिंग, यही मेन है कि ये फैक्टर करो। दूसरी चीज रही बात सर तो मुझे करना क्या चाहिए, जैसे कि बिम में तो मैंने काम किया है हाँ और पर एक होता है ना कि एक वैसा एनवायरनमेंट नहीं मिला काम करने का, जैसे मजा आए काम करने में। ओके देखो तो शॉर्टेज रहते थे इसके प्रोजेक्ट के, इतने प्रोजेक्ट रहते नहीं थे और हाँ कभी कभी बहुत ज्यादा रहते थे, हाँ लेकिन उतना भी कुछ गेन नहीं किया। गेन किया है सर बहुत मजा गेन किया किस फॉर्म में तुम देख रहे हो, मजा देख रहे हो ऑफिस सर। एनवायरनमेंट के अगर फॉर्म मेरे में? को प्रॉपर बिम प्रॉपर बिम का काम मिलता, हाँ 45D सिमुलेशन, प्रॉपर आर्किटेक्चर, प्रॉपर स्ट्रक्चर डिटेलिंग का होता तो सर वो मजा आता उसमें। लेकिन दिक्कत ये क्या था ना होता है सर यहाँ पर कि पूरे इंडिया में पार्ट में ही करते हैं सुबह मैक्सिमम लोग। हाँ सर ये तो मैंने देखा है। ठीक है मैक्सिमम लोग उनका एक फिक्स और रूटीन है कि हम ये करेंगे और इसी का प्रोजेक्ट लेते हैं। यहाँ तक कि अभी एक कंपनी आई थी क्या बोलते हैं जॉनसन्स कंट्रोल करके, तो
तो उसके एक मैनेजर ने मुझे कॉल किया, बोलता कि हमें क्लैसिंग्स निकाल के देंगे, क्या हम लोग क्लैसिंग के प्रोजेक्ट्स देते हैं। अब उनको सोचो, इतनी बड़ी कंपनी है और सिर्फ क्लैसिंग के काम दूसरे को दे रहे हैं। उनका क्या है कि हम यही करेंगे। ये बड़ा मुझे खराब भी लगा। मैं कहा केवल क्लैसिंग क्यों देना, देना है तो पूरा मॉडल दो, ठीक है। तो बोलते नहीं नहीं हम केवल क्लैसिंग के लिए थर्ड पार्टी हायर कर रहे हैं, अगर कोई होता आप बताइए। तो फिर मैंने एक लड़के का नाम सजेस्ट किया, वो क्लैसिंग का काम ये करता है। हमारे कंपनी में भी आया था सर, हाँ था ये ना, 45D हमारे कंपनी में भी आया था, हमने काम हाँ भी किया उस पर 1 महीने, फिर वो करेक्ट। तो इंडिया में बहुत बड़ा मैक्सिमम जॉब जगह पे था सर। पार्ट में मिलेगा मैक्सिमम, ये मत सोचो कि हाँ। बहुत रेयर कंपनियां होंगी जो कि, अभी एक लड़का डिस्कस कर रहा था ना, प्रीति का कंपनी, प्रीति एक लड़की है, तो उसका एक कंपनी में हुआ, तो उस कंपनी में सारा काम वो देख रही है। रीज़न ये है कि वही प्रोजेक्ट को डील कर रही है। तो अब स्वाभाविक सी बात है कि उस कंपनी छोटी है, तो छोटी कंपनियों में ऐसा होता है कि एक ही बंदा सब कर ले। पर बीम में ऐसा खासतौर से हमने देखा है कि कोई मॉडल बना रहा है तो कोई डिटेलिंग कर रहा है, तो कोई कंपनी ये क्लैसिंग चेक कर रहा है, मतलब सबका पार्ट्स में रहता है काम। हाँ सर, ये बात है, टीम वर्क में तो तो ऐसा होता है, सबको काम डिवाइड कर देते हैं अगर बड़ा हाँ, प्रोजेक्ट है तो। उसका रीज़न भी है ना, उसका रीज़न है हमारा कि तुम जैसे ही पूरा का पूरा काम सीखते हो तुम निकल जाओगे कंपनी छोड़ के, ठीक है। हाँ तो सर, कंपनी को बेनिफिट नहीं होता, बल्कि कंपनी को लॉस हो जाता है, क्योंकि एम्प्लॉई हमारा कंपटीटर बन गया, ठीक है, बहुत जल्दी, ठीक है। इसीलिए अभी एक कंपनी है JW करके, बहुत बड़ी स्ट्रक्चर्स की वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है, उसमें स्ट्रक्चर एनालिसिस का कंप्लीट काम सीखने के लिए कम से कम 4 साल देने पड़ते हैं, 4 साल। अब स्वाभाविक सी बात है, ज़्यादातर तो लोग 2 साल में बोर हो जाते हैं, ठीक है, और उसके बाद निकल जाते हैं, पूरा काम नहीं सीख पाते। तो बात बात इसलिए सही। ये वो टेक्निक्स होती है कंपनीज की। एक कंपनी डेल्टा कॉम करके, तो उसका एक लड़का आया था अभी लास्ट संडे को मेरे पास, तो बोलता सर मैं छोड़ना चाहता हूँ। मैं कहा क्यों? तो बोलता कि क्या बोलते हैं, मुझे स्टैट प्रो पे काम नहीं दे रहे हैं। मैंने कहा इसीलिए तो नहीं दे रहे हैं। तो बोलता है क्यों, बोलता है क्यों, मैं कहा तो पहले क्या बोला, बोला छोड़ना चाहता हूँ। मैं कहा बस यही तो रीज़न है, ठीक है भाई। कंपनी भी तो ऑब्जर्व करती है ना, आपको 12 घंटा बैठाई है कैमरे के नीचे, तो ऑब्जर्व तो कर ही रही है ना, ठीक है। बिल्कुल सर, तो बिल्कुल। ठीक है, तो अभी हम लोग कैमरे पर खर्चा क्यों करते हैं एज ए एंटरप्रेन्योर? तो हम देखते रहते हैं कि इसके माइंडसेट में क्या चल रहा है। इवन ये तक HR ये तक दिखती है कि आप कौन सी कंपनी बैठ के अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो ये तक पूरा चेक सर रहता कंपनी है। बैठ के लोग कंपनी में अप्लाई करते, सर मैंने भी गलती की थी हाँ, तो मिस्टेक मुझसे भी हुई थी फिर। ये बहुत से मिस्टेक्स होते हैं। अभी हमको लोगों को क्या लगता है, अरे कैमरा है क्या, दिन भर कौन देखेगा, ठीक है। पर वो दिन से पर्टिकुलर मॉनिटर करते हैं वो लोग। एक वही उसका बेनिफिट है ना, अगर हम मॉनिटर कर रहे हैं, सीधी सीधी बात है ना कि कंपनी का टेक्निक है, कंपनी को 3 ही चीज़ तो मैनेज करना है। एक मैनेज करना है काम लाना कैसे है, एक काम करना कैसे है, एक जो काम कर रहे हैं उन पर ध्यान देना है, ठीक है भाई। वो सीधी सीधी बात है, वो मेरा डाटा लीक कर रहे हैं, सीधी सीधी बात है, वो कहीं जाने वाले, हम पहले से रेडी हो जाए। इसीलिए देखोगे ना, जो अच्छी कंपनियां होती हैं उनमें हमेशा एक काम के लिए 2 एम्प्लॉय रखे जाते हैं, ठीक है। एक काम के लिए 2 एम्प्लॉय रखने का बेनिफिट क्या है, शुभम और अजय सेम काम कर रहे हैं, शुभम भाव खा गए, कोई बात नहीं, अजय करेंगे ना, ठीक हाँ है। सर, ये टेक्निक होती है कंपनी की कि कभी भी, कंपनी का डेटा बहुत जरूरी होता है क्लाइंट के लिए, क्योंकि हमारी हाँ कंपनी में ना दो बंदे ऐसे थे ना जिन्होंने डेटा लीक कर दिया था, क्योंकि वो क्लाइंट हैंडल करते थे। अब वो सोचे कि अपना बनाए, बाहर निकले इस क्लाइंट को तो हमने मना लिया क्लाइंट हमें प्रोजेक्ट देगा, और वो सारे बंदे यूएस के थे, मतलब यूएस का सारा प्रोजेक्ट था। उनको जैसे ही पता चला कि प्रोजेक्ट लीक हुआ है सर, सारा प्रोजेक्ट बंद कर दिया कंपनी से, इवन इंडिया से ही गायब हो गए सर वो। एक एक कंपनी है भारत फोर्ज करके, जो इसरो वगैरह का पार्ट्स बनाती है, गन वगैरह बनाती है। तो उस कंपनी का, बहुत बड़ी कंपनी है, शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनी है, उस कंपनी में एक लड़के ने पेन ड्राइव यूज करके अपने डाटा को लीक किया, उसके ऊपर केस हुआ है, वो जेल में है, जेल में है वो, ठीक है। तो होता है जब आप बड़ी कंपनी में काम करते हो तो ये सारी चीज़ें। वो पेन ड्राइव यूज करके डाटा लीक कर रहा था, वो जेल में। अब सोच लो, क्योंकि डेफिनेटली इतना बड़ा पार्ट है वो, अरे इसरो का पार्ट बनाना अपने आप में बहुत बड़ी बात हो गई ना, ठीक है। सर वही तो कंसर्न इनका बड़ा होता है, क्योंकि कंपनी में फोन भी नहीं अलाउ होता है, तो हम हाँ, लोग बहुत अच्छे, हम लोग को फोन अलाउ किया था फोन इन्होंने। अलाउ है एकदम से, मतलब क्या बोलते हैं, बहुत से रिलायंस की कंपनी में कोई भी वर्कर को फोन अलाउ नहीं है। रिलायंस में आप बाहर पहले फोन जमा करिए, फिर अंदर जाइए, ठीक है। उनका पूरा का पूरा, उनके कैसे लोग काम करते हैं बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज के टाइम पे फोन, मतलब एक बार आप क्या बोलते हैं, बिना सूच के रह लोगे, बट बिना फोन के रहना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। और वो बहुत अच्छी चीज़ है एक्चुअली, नहीं होना मतलब वो हो तो, ठीक है। और क्या बोलते हैं, यही करो मेरे अकॉर्डिंग, कि अगर तुमको बैंगलोर जाने का मन हो तो बिल्कुल जाओ, हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बैंगलोर इज़ अ गुड प्लेस। और क्योंकि देखो कहीं ना कहीं से निकलना ही पड़ेगा, ठीक है ना। और या कैसे होता है, एक तो मैं कल एक वीडियो बना रहा था, लास्ट में मैंने लिखा, इफ़ यू वॉन्ट टू सक्सीड इन हाँ योर कैरियर, ठीक है, मेरे ऐसे दिमाग में आया कि इफ़ यू वॉन्ट टू सक्सीड योर कैरियर, ड्रॉप योर कम्फर्ट जोन।
हाँ ये सही है, तो हम जरूरी है। ये बहुत खतरनाक चीज़ है। कंफर्ट जोन एक ऐसी चीज़ है कि हमने अपने जीवन में 2-3 साल मेरे यही खराब हुए कंफर्ट जोन। ऐसा नहीं बोलेंगे बहुत ज़्यादा था, पर कंफर्ट जोन तो था ना, हाँ ठीक है। सही है, तो जरूरी ये है। कंफर्ट जोन को छोड़ो, और अगर तुमको लगता है बेंगलोर वैसे बहुत अच्छा नहीं है तुम्हारे अकॉर्डिंग, ठीक है, ये भी बता दूँ सर इसके लिए। 25 में तो मेरे को नहीं लगता कि बहुत नहीं, कम है सर उधर के लिए। हाँ, बेंगलोर में 9,000 रुपये का पीजी मिलता है, ठीक है, एकदम फिक्स रेट बता रहा हूँ तुमको। लगभग क्या बोलते हैं, खाना खाने का तुमको लगभग 5-6 हज़ार रुपये मिनिमम जाएगा, तो ये समझ के रखो कि 15-16 हज़ार रुपये का एक्सपेंस है। तो नहीं सर, 25 मैं का नहीं, अप्लाई करता रहूंगा, मैं वहां पे बिम में भी काम करता हूँ, मैं अप्लाई करता रहूंगा सर। वो हाँ क्लासेस का थोड़ा इश्यू होगा कि मेरा थोड़ा 9 to 6 वाला सीन हो जाएगा फिर, थर्ड ऑफ नहीं, अप्रैल। हमारा हमारा नीचे मतलब ऐसा चल रहा है कि हम 3 अप्रैल, वही मतलब 10 अप्रैल के आसपास हम सोच रहे हैं इवनिंग में शिफ्ट करेंगे, क्या ओके बोलते हैं, लेकिन अभी क्या वो लेटेस्ट बैच चल रही है ना, तो बैच खत्म होगी तो उसी टाइम पे इसको शिफ्ट कर देंगे। ओके पर सर, अभी मैं क्या, तुम तो जानते हो मैं बैच को भगाता नहीं हूँ, आराम से चलते, क्योंकि भाई उनको वही हाँ सीधी सर, सीधी बात, हाँ वो ट्रस्ट करके आए हुए हैं, तो उनके ट्रस्ट को ब्रेक नहीं कर सकते कभी। जी सर, तो ओके उनको उनका टाइम, हमने कहा टाइम हो गया है, फिर मैंने कहा टाइम लो, अच्छा करो बस, ठीक है, उनका हो जाए तो मैं इवनिंग में कर देंगे, डोंट वरी, ठीक है, ओके सर, ओके सर। चलेगा। चलो अजय, आप अपना माइक ऑन कर लीजिए, आप कुछ पूछना चाह रहे थे। संदेश, हाँ बोलो। एक इंस्टीट्यूट में जाता तो वहाँ पर वर्क प्लेस में मैं मेरे बाजू में बैठे एक दूसरे कंपनी के इंटरव्यू दे रहे थे, वो पकड़े गए, सेंस उनकी हेल्प कर रहा था, मैं भी पकड़ा गया, ठीक है, पक्का लड़की रही होगी तभी तुम हेल्प कर रहे थे, लड़के को तो हेल्प नहीं करोगे, ठीक है। हेलो, हाँ संदेश बोलो। हाँ सर, मैं ये बोल रहा था कि मैंने अभी गेट की एग्जाम दी सर, अभी तो स्कोर नहीं आया सर। मैं ऐसा बोल रहा था कि एमए अभी करना चाहिए ना, क्योंकि मेरा अभी एमए इच्छा मर गई सर पूरी, मतलब 2 साल मतलब जॉब किया अभी तुम्हें क्या पूरी लगता इच्छा। है कि, तुम्हें क्या लगता है गेट का एग्जाम हो गया था, क्या बोलते हैं, मतलब कि गेट का एग्जाम क्लियर हो जाएगा, क्या लगता है? हाँ तो क्लियर तो हो जाएगा, मतलब सर ये आंसर किया ही थे ना, तो देखा था तो 15 से 20 आ रहे सर, मतलब 15 से 20 मार्क तो तो आ जाएगा। रुक जाओ, फिर गेट के बिहाफ पे लोगों को एक स्कॉलरशिप मिलती है ना 12-12 15 हज़ार रुपए की, पता नहीं अभी मिलती है कि नहीं, मेरे टाइम पे मिलती थी, ठीक है। तो अगर वो गेट के थ्रू जा रहे हो तो तुम्हारा बेनिफिट है ना, 12-15 हज़ार रुपये फ्री का मिलेगा, है ना, तो थोड़ा रुक मतलब जाने का, कोई तुम्हारा क्या बोल रहे हो? स्कॉलरशिप मिलेंगी, मतलब हाँ, तो वो स्कॉलरशिप पूरा का पूरा मिल जाएगा 2 साल, तो मेरे अकॉर्डिंग तुम्हारे लिए बेटर यही है कि तुम वेट कर लो, अच्छा ठीक है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज से प्राइवेट से ही करना है, तो कम से कम स्कॉलरशिप मिलता रहे, उसी का पैसा उसी को देते रहो, खत्म बात। मतलब ऐसे सुना नहीं सर, को स्कॉलरशिप मिलती करके मिलती है, गेट स्कॉलरशिप मिलती है, पता करो, ठीक है। का एग्जाम क्लियर करना चाहिए ये देखो ऐसा अक्षय क्या अक्षय प्रजापति बता रहे हैं, 12,400 रुपये मिलता है, सर? ठीक है, कट ऑफ वो क्लियर है। क्वालिफाई करने के बाद मिलता होगा ना सर? हाँ, गेट क्वालिफाई करने के बाद, अच्छा, ठीक है, इसलिए अगर क्वालिफाई करो तो वेट कर लो। एमटेक में सर, एमटेक में एमटेक किया की तो बात है। करो, हाँ एमटेक का ही बात कर रहा हूँ, हाँ सर, ठीक है, सर चलेगा, मतलब एमई करना चाहिए? नहीं नहीं सर, अभी ऐसा क्योंकि बिल्कुल करना चाहिए, फ्री मुहूर्त कर लो। मैं एलएलबी कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, ठीक है, अब एलएलबी हाँ करो, मेरा इंटरेस्ट है ना, अभी मैंने एक नहीं सेमेस्टर सर, कंप्लीट कर अगर दिया। क्वालिफाई नहीं हुआ तो बोल रहा मैं अभी ऐसा। हाँ ओके, अब देखो तुमसे मैंने पूछा क्वालिफाई हो जाओगे, तुमने बोला हाँ हो जाऊंगा, मतलब बोल नहीं सकते, 15 ठीक है, 30 एक मार्क। रिजल्ट आने दो, नहीं होगा तो बताना, हम करवा देंगे एडमिशन, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, एडमिशन का हो जाएगा, ठीक है, रिजल्ट आने दो फिर बताओ, ठीक है, सर चलेगा। चलो अजय कुछ बोलना चाह रहे हैं, हाँ अजय बताइए। हेलो, हाँ अजय बताइए। मेरा जो प्लान है अभी मैं एज ए ड्राफ्टमैन काम कर रहा हूँ, प्लानिंग वगैरह 2D वगैरह, तो फ्यूचर में मैं चाह रहा हूँ अपनी ही फॉर्म में एक एज अ स्ट्रक्चर कंसल्टेंसी भी ओपन अप करूँ। करेक्ट, स्कोप है हमारे एरिया में, तो उसमें कैसे डील करें? आपने जो बताया था वो आपने अच्छे रीजन बताए थे कि आर्किटेक्ट से मिलो, इनसे मिलो, करेक्ट बट सर क्या चीज़ है कि वो ऑलरेडी किसी से काम करवा रहे हैं, करेक्ट तो फिर अब वो तो ये चाहेंगे मतलब जिनसे काम चला उनसे चले, करेक्ट, या अगर किसी ने मेरे को आज काम दे दिया तो क्या पता कल कोई नया है उसको भी दे दें, तो वो रिटेन कैसे करें हम? देखो अभी मैं ना एक बंदे के यहाँ पर दाढ़ी बनवाता था, बहुत अच्छे, ठीक है, उसके यहाँ पर मैं दाढ़ी 2-3 साल से बनवाता था, कल मैंने चेंज कर दिया, ठीक है, पता है क्यों चेंज कर दिया? क्योंकि वो जो दूसरा बंदा था वो ऐसे क्वालिटी में सेम प्राइस पे, ठीक है, और क्वालिटी टाइम के साथ, मतलब एक्स्ट्रा टाइम देके, कोई जल्दबाजी नहीं, अच्छे तरीके से बेड सेट कर रहा था। तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि हमने एग्जिस्टिंग कस्टमर हमेशा टूटते हैं, ठीक
ठीक है, अभी तुम क्या बोलते हैं मेरे पास आए हो सीखने के लिए, ये फिक्स है कि अगर मैं वैल्यू नहीं पुट कर पाया तो तुम एक्स वाई जेड नेक्स्ट प्लेस को जाओगे, राइट है। तो ये तो मार्केट है, अगर हम ऐसा सोचेंगे कि नहीं यार अजय मेरे पास आए तो कहीं और ना जाए, ये पहली बात तो ये सोचना गलत है, ठीक है, क्योंकि मेरा काम है क्वालिटी अपग्रेड करना। तो तुम्हारा काम ये हो सकता है अजय कि तुम्हें ना एक ऑफर दे के, ठीक है, अभी एक बगल में रिलायंस मॉल खुला हुआ है, तो रिलायंस मॉल ने क्या किया, हर एक घर में जाके 1000 रुपये का वाउचर दे दिया, शॉपिंग करो 1000 रुपये तुम्हारा ऑफ हो जाएगा, ठीक है। सब फटाफट गए शॉपिंग करने लगे, उनको मज़ा आने लगा वहाँ पे, छोटी छोटी जो शॉप्स है सबके सब बंद हो गए एक तरीके से, कोई काम नहीं हो रहा है। तो तुम वहाँ पर जाके ये बोल सकते हो कि भाई हम आपको फर्स्ट प्रोजेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट करने को ले दे रहे हैं, इससे कि जिसे आपको लॉस ना समझ में आए, आपको मेरे से काम करा के ये ना महसूस हो यार पैसा लॉस हो गया इसको, आप हमारा काम देख लीजिए। इफ यू वॉन्ट टू पे समथिंग फॉर आफ्टर दैट वर्क, आप कर भी देना, मेरी तरफ से काम पैसा को कोई फोर्स नहीं है, आप सिर्फ हमारे क्वालिटी को पहचानो। और अजय मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है अभी तक जितनी भी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट मिली हुई है, ठीक है, हर कोई लेना चाहे है, ये फिक्स है। बट सर फ्री ऑफ कॉस्ट की वैल्यू नहीं करते ना, कदर नहीं होती। वही तो है ना, अगर हम फ्री ऑफ कॉस्ट में उनको इस लेवल का वैल्यू आउटपुट दे दिए कि वो जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है वो नहीं दे रहे हैं पैसा लेने के बाद, तब तुम्हारी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तुम्हारी वैल्यू तब नहीं होगी जब तुमने ये सोच के कर दिया कि अरे फ्री में करके दे दो, ठीक है, नहीं ये समझो कि इसका हमने 10 टाइम्स ज्यादा पैसा लिया हुआ है फिर भी फ्री में करके दे रहे हैं, ठीक है, बोलो। ठीक है, और सर और कुछ अपना आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि हमको कैसे प्रोसीड करना पड़ेगा? ठीक है, सबसे पहले तो तुमको देखो क्या होगा कि अभी आज के टाइम में कोल्ड कॉलिंग्स आनी चाहिए तुम्हारे पास, क्योंकि जब कस्टमर ही नहीं आएगा, ठीक है, जैसे तुम अप्रोच कर रहे हो लोगों को, तो जरूरी नहीं कि अभी लोग तुम्हारे पास आए ही, क्योंकि तुम अभी बिगनर हो, है ना। तो मार्केट में कभी भी जब एंट्री करनी हो तो सबसे पहली चीज़ तुम्हें ऐसा दिखाना पड़ेगा कि आई एम नॉट अ बिगनर। जैसे मैं कई लड़कों को बोलता हूँ इंटरव्यू में आएंगे, वो बोलेंगे सर आई एम फ्रेशर मुझे जॉब पर रख लीजिए, ये सेंस ही तुमने गलत कर दिया, आई एम फ्रेशर, तो प्रेशर कैसे हो, जबकि उनको देखेंगे तो बोलेंगे हम ऑटोकैड भी सीखे हैं, स्टेट प्रो भी सीखे हैं, ईटैप भी सीखे हैं, तो प्रेशर कहाँ से लगे। प्रेशर का मतलब है, प्रेशर वर्ड ही मीन्स कुछ जानता नहीं हूँ मैं, जैसे अभी पैदा हुआ हूँ इस इंडस्ट्री में नया नया। तो मेरे अकॉर्डिंग तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पहले कोल्ड कॉलिंग करनी पड़ेगी। कोल्ड कॉलिंग इन द सेंस कि पहले तुम्हें इंडिया मार्ट पे थोड़े से पैसे खर्च करो, कोई एक प्लेटफॉर्म ले लो, इंडिया मार्ट अच्छा है इस वर्क के लिए। तो इंडिया मार्ट से क्या होता है ना, डाटा आ जाता है लीड करने के लिए, ठीक है, क्योंकि तुम 100 लोगों के पास जाओगे, इससे अच्छा कि 100 लोगों का नंबर आ जाए, उसमें से केवल 2-3 लोगों का कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो अभी तुम इंडिया मार्ट पर रजिस्टर करो, लगभग 28,000 के आसपास हमारा खर्चा आएगा, 28,000 रुपये में तुम इंडिया मार्ट पर रजिस्टर कर सकते हो खुद को। जैसे ही काम आता है कॉलिंग के लिए नंबर वो प्रोवाइड कर देंगे, भाई ये इंटरेस्टेड है, आप उनको पिच करो, और पिच करते समय ऐसा ब्रोशर उनको दो, ठीक है, इसका मैं बहुत खराब हूँ, ठीक है, मतलब मेरा अच्छा नहीं है सब कि मैं बहुत हाईलाइट वाला पोस्टर बना लूँ, ये सब मुझे नहीं आता है, मतलब तंग मन नहीं करता बट करना चाहिए। एक अच्छा सा पोस्टर बनाओ अपने काम का, प्लस कुछ काम जो हमने आपको करके करने के लिए दिए हैं उनके कुछ सैंपल्स रेडी करो, ठीक है, उनके सैंपल्स रेडी करके उनको तुरंत वो मेल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टेक्ट करो कि देखिए ये हमारे काम है, हमने इस प्राइस पॉइंट पर किया हुआ है, और ये देखो कि तुम्हारे आसपास के जो लोग हैं वो कितने में कर रहे हैं। तो तुम एक दूसरे नंबर से कॉल करो आसपास के लोगों को, उनको बोलो सर हमको ये काम कराना है, आप कितना रुपये ऑफर करेंगे। तो पहले तो अपने आसपास के लोगों का रेट ले लो, ठीक है, अब आसपास के लोगों का रेट लेने के बाद अपना रेट उन सबसे नीचे रख दो स्टार्टिंग में, और उसके बाद तुम अपने क्लाइंट को पिच करो। जब तुम क्लाइंट को बोल के रखोगे कि हम 5 रुपये में कर रहे हैं, तुम्हें पता है कि सबका 15 रुपये, किसी का 20, किसी का 25 चल रहा है, भाई सामने वाला तुम उसको रोक नहीं पाओगे, वो सबके पास जाएगा, सबको कॉल करेगा, बाद में पता चलेगा सबसे अच्छा तो तुम ही कर रहे थे सबसे कम प्राइस में, ठीक है। और प्लस उसके बाद ये देखो कि जो सामने वाला क्लाइंट है, जैसे कि मान लो कि मैं एक क्लाइंट हूँ, एक क्लाइंट समीर है, मतलब कंपटीटर है, तुम मेरे से बात किए कि सर, ऐसे क्लाइंट बात किए कि सर मुझे ये प्रोजेक्ट करवाना है, आप कितने में करके दोगे। तो देखो कि मैं उस प्रोजेक्ट को मैं तुमको कैसे अप्रोच करता हूँ, मैं बोलूँगा अच्छा ओके अजय आपको प्रोजेक्ट करवाना है, ठीक है, ये हमारे ब्रोशर से, ये हमारे काम का लिस्ट है, ठीक है, समीर ने कुछ अलग तरीके से किया। सपोज एक कंपटीटर आपके ज्योति भी हैं, ज्योति को भी आपने कॉल करके ये क्या क्या भेजते हैं सबका पहले मंगवा के इकट्ठा कर लो, ठीक है, अभी काम तुमने स्टार्ट नहीं किया है, सबके मंगवा के इकट्ठा करो, और उसके बीच में अगर तुमको सक्सेस होना है बिजनेस में, लूप होल खोजो, किसी ने कोई एक मिस्टेक जरूर की होगी, और जो किसी ने मिस्टेक किया, फिर तीनों ने जो मिस्टेक की है वही तुम्हारा की पॉइंट्स हो जाए, इसको बोलते हैं USP, यूनिक सेलिंग पॉइंट।
तो तुम ये देखो कि समीर ने क्या गलती किया, आकाश पांडे ने क्या गलती किया, ज्योति ने क्या गलती किया, संदेश ने क्या गलती किया, इन चारों की जो गलती है उस गलती को अलग कर लो और उसी को यूएसपी बना लो कि आप मार्केट में आप काम भले करवाएंगे लेकिन ये काम कोई करके नहीं देगा। अब सामने ले जाके क्रॉस चेक करेगा समीर से, समीर आप ये काम करके देंगे, नहीं नहीं ये मैं नहीं देता हूँ, बस क्या यहीं पर तो आपका सक्सेस हो गया, ये करना पड़ेगा। ओके और सर जैसे एक तो अपना जैसे एक हमारे यहाँ क्या चलता है कि जैसे जो सबमिशन ड्राइंग रहती है अथॉरिटी से करेक्ट, तो उसमें एक ये सॉइल रिपोर्ट मांगते हैं करेक्ट, तो उसके लिए हमें क्या मतलब कौन से सॉइल उससे जैसे कंसल्टेंसी से तुम्हें कांटेक्ट करना पड़ेगा, सॉइल कंसल्टेंसी से कांटेक्ट कर लो। अभी नहीं सर हम भी कर सकते हैं क्या वो चीज़ एमटेक लैब एमटेक तो कर सकते हो, एमटेक की जरूरत नहीं है। नहीं क्या नहीं होता एमटेक स्ट्रक्चर अगर किसी के पास स्ट्रक्चर इंजीनियर का सर्टिफिकेट है तो क्या वो भी सॉइल टेस्टिंग कर सकते हैं? जियोटेक का एमटेक होना चाहिए आपके पास सर्टिफिकेशन के लिए, जियोटेक का सर एमटेक बट होना हमारे चाहिए। यहाँ पे एक इंजीनियर है उनके पास तो अपना एमटेक स्ट्रक्चर है बट वो भी रिपोर्ट्स बना रही हैं। इलीगल नहीं है ठीक है, अगर आप गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए दे रहे हैं तो ही इज नॉट लीगल, या फिर उन्होंने किसी से करवाया होगा। जनरली मैं क्या करवाता हूँ, मैं अपना बता देता हूँ ठीक है। हम क्या करते हैं, जैसे हमें प्रोजेक्ट मिल गया आपका तो हम अपने आसपास के जो कॉलेजेस होते हैं उनमें कॉन्टेक्ट कर लेते हैं ठीक है, और आसपास के कॉलेजेस में हमारी सेटिंग हो जाती है ठीक है। जैसे अभी हमारे इलाहाबाद में हम लोग क्या करवाते थे, हमारे यहाँ NIT इलाहाबाद है, MNIT सुना होगा आपने, तो MNIT में टीचर्स थे तो उनको बोल देते थे कि आप लैब टेस्टिंग करके दे दो, जियोटेक डिपार्टमेंट के थे तो उनको क्या होता है कि जैसे कि तुमने 100 रुपये मान लो चार्ज हुआ, वैसे होता है 18,000-20,000, 100 रुपये में क्या करते हैं कॉलेज वाले 10 रुपये, कॉलेज 10 रुपये जो होता है वो टीचर का होता है, सॉरी कॉलेज का होता है, 90 रुपये जो होता है वो टीचर लेके जाता है। तो सिंपल हम लोग लेके जाते थे वहाँ कॉलेज में करा लेते थे लैब टेस्टिंग, सबसे अच्छा तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि क्या बोलते हैं आप टेस्ट खुद से करो ठीक है, मशीन खरीद के सिर्फ सर्टिफिकेशन के लिए उनके पास चले जाओ और सिर्फ 5% आप तो कॉस्ट लेते हैं, सर्टिफिकेशन दे देंगे आपको। समय बस सर्टिफिकेट की ही नीड ज्यादा होती है, टेस्टिंग वगैरह का रिपोर्ट वगैरह कोई नहीं देखता है। तो सर्टिफिकेशन के लिए आप सीधे सेटिंग कर लो ठीक है लोगों से 5% के आसपास, या फिर आपका कोई दोस्त अगर जियोटेक से एमटेक किया हो ठीक है उसको बोल दो क्या तुम सर्टिफिकेशन के लिए तुम्हारा लाइसेंस यूज कर रहे हैं, तुम पे कर लेते जाओ हर चीज पे, ऐसा होता है। सर कोई ऐसा है रेफरेंस में आपका जो जियोटेक स्ट्रक्चर है ये कॉलेज जियोटेक में? जियोटेक में क्या? जी हाँ जियोटेक में होंगे तो बहुत, मैं क्या बोलते हैं जियोटेक में हाँ होंगे जरूर, मैं खोजता हूँ कि तुम्हारा घर कहाँ पे है। देहरादून। देहरादून ओके ठीक है, मैं सर्च करता हूँ, रहते तो मेरे पास कांटेक्ट में काफ़ी लोग हैं, मेरे कांटेक्ट में लगभग 6,000 लोग हैं जो सिविल इंजीनियर ही हैं, पर प्रॉब्लम ये होती है कि पता नहीं होता कौन क्या है ठीक है। हाँ सर कोई तो हो रेफरेंस में तो उसे ठीक है, बताइएगा। कोई आता है तो जरूर बताता हूँ तुमको, इन्फॉर्म ओके करता सर हूँ। थैंक यू। अदरवाइज क्या कर सकते हो कि देहरादून के कुछ कॉलेजेस हैं ठीक है, सिंपल डायरेक्ट कॉलेजेस में अगर चले जाते हो जियोटेक डिपार्टमेंट में डायरेक्ट चले जाओ ठीक है, उनसे डायरेक्ट बात कर लो कि देहरादून में कॉलेज मुझे याद आ रहा है देहरादून इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ, एक देहरादून में दो कॉलेज है सेम नाम से, देवप्रयाग करके है क्या कुछ ऐसे? नहीं सर एक तो ग्राफिक एरा हिल है, ग्राफिक एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी है, डीआईटी एक है, पेट्रोलियम है। डीआईटी फुल फॉर्म क्या है? देहरादून इंस्टीट्यूट ऑफ यस टेक्नोलॉजी सर ना। यस सर हाँ यस सर उनका उनका जो वॉल बना हुआ है बाहर का वो ब्रिक जैसा टेक्सचर बना हुआ है क्या बिल्कुल सर बिल्कुल बिल्कुल ना? हाँ बिल्कुल वो सर उसी कॉलेज में मैं गया था, मेरा ओके वहाँ पर सेमिनार था उस कॉलेज में, तो उस कॉलेज में है जियोटेक का लैब है उस कॉलेज में। हाँ सर जो टेक्कल है पे और भी काफी उसमें है। हाँ मतलब वो लैब मतलब जैसा लैब होना चाहिए, ट्राइक्सेल टेस्ट भी है, प्लेटलो टेस्ट के भी टूल्स हैं उनके पास, वो देहरादून इंस्टीट्यूट ऑफ कॉलेज है, वहाँ पर अगर डायरेक्ट चले जाओ ना जियोटेक डिपार्टमेंट के टीचर से डायरेक्ट बात कर लो, सिंपल सबका फिक्स होता है 5% 10% ठीक है, और दे आर वेरी हैप्पी फॉर दैट, मतलब आप उनको करो सीधे सीधे उनकी एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है ना। ठीक है सर ठीक है ओके ठीक है रीच उनसे करता पहले हूँ। हाँ ओके सर रीच करो, मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे कंटेंट में कोई आता है तो बता देता हूँ, ओके सर चलेगा। चलो नेक्स्ट, काफ़ी लोग कुछ वार्तालाप करना चाह रहे हैं, पर प्रोजेक्ट कर लेना तो वार्तालाप अच्छा लगेगा। लेक्चर नंबर 4 कंप्लीट और 55 में 55 वाला प्रोजेक्ट कर लेना। हाँ शुभम बोलो। हाँ हेलो, माइक बंद हो गया। हेलो हाँ शुभम। सर आवाज आ रही? हाँ हाँ आ रहा है। हाँ सर मैं पूछ रहा था कि जैसे बिम में कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन टाइप होता है क्या सर, इसमें लाइक हायर एजुकेशन जैसा कुछ होता है क्या सर? फॉरेन में है, फॉरेन में है ठीक है, इसके जी क्रेडिट्स होते हैं ठीक है, अभी एक लड़का गया हुआ है उधर अपना स्टूडेंट है तो फॉरेन में है ठीक है, लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ इसका पर्टिकुलर कोर्स नहीं है, और यहाँ पर एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करके कोर्स सुना होगा तुमने, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट,
ठीक है, वही जी एक जी है ठीक है, यूके में है। और क्या बोलते हैं, वहाँ पर क्रेडिट्स होते हैं 2 साल का, 1 साल का भी कोर्स है BIM का ठीक है अच्छा पर्टिकुलर, तो रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि ऑफ कोर्स अभी तुम वहाँ जाके इतना खर्चा करने से अच्छा है कि क्या जी बोलते हैं सिंपल ऐसे कर लेने का। और ये मतलब फॉरेन में, इंडिया में तो बस वो एक कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट जिसने किया हुआ है वही उसी में वैलिड है अच्छा चल इतना ही पूछा था और सर चलेगा। ओके ज्योति कुछ बोलना चाह रही है? हाँ ज्योति बोलो। सर मैं बोल रही हूँ कि मैं गेट एग्जाम दिया हुआ हूँ और मुझे लगता है कि सर मतलब कट ऑफ तो क्लियर हो गई, तो सर मुझे अभी कोई कंपनी में ज्वाइन करना चाहिए और फर्दर स्टडी करना चाहिए मतलब हायर स्टडी MTech करना चाहिए, तो कौन सा देखो बेटर होगा? तुम्हारा क्या बोलते हैं, इसमें क्या होता है कि ज्योतिप्रिया तुम्हारा फाइनेंशियल कंडीशन क्या बोलता है ठीक है, और घर का बैकग्राउंड क्या बोलता है, पहले ये मैटर करता है। देखो कभी भी ना एजुकेशन जाया नहीं जाती ठीक है, इफ यू लर्न समथिंग न्यू एंड इफ यू लर्न समथिंग बिगर ऑलवेज टेक बेनिफिट्स फॉर दैट ठीक है। पर व्हाट्स योर फाइनेंशियल कंडीशंस सजेस्ट यू एंड व्हाट्स योर फैमिली सजेस्ट यू ठीक है, ये देखो ठीक है। जैसे कभी क्या होता है कि अपने इंडियन ट्रेडिशन में क्या होता है कि एक टाइम के बाद कि भाई जल्दी से सेटल हो जाओ ठीक है, शादी करनी है ठीक है, उसके बाद बोलते हैं कि यार पैसे इतना मैं कैसे इन्वेस्ट करूँ, इतना इन्वेस्ट ऑलरेडी कर रखा है, क्या ये सब तुम्हारे पास बर्डन्स हैं? जस्ट थिंक अबाउट दैट, इफ नॉट देन गो फॉर फर्दर स्टडी, हमेशा अच्छा होता है। पर अगर MTech कर रहे हो ठीक है फुल टाइम, तो अगर क्या बोलते हैं अच्छा कॉलेज, अच्छा इन द सेंस NIT और IIT है तब करो तो बेटर है, नहीं तो नहीं अच्छा है। रीज़न ये बताता हूँ, नहीं तो कैसे करना चाहिए, फिर आप जॉब के साथ कंटिन्यू कर लो। बहुत से ऐसे कॉलेजेस हैं, बिलीव नहीं करोगे, उन कॉलेजेस में लोग अभी हमारे खुद, मेरा खुद भी गेस्ट लेक्चर लगा हुआ था नागपुर के कॉलेज में, अभी संडे को भी है, अभी मैं एक हफ्ते के लिए जा भी रहा हूँ। तो कुल मिला के कॉलेजेस में जो फैसिलिटीज़ हैं उसके अकॉर्डिंग बहुत ही नॉमिनल चीज़ें लोग दे रहे हैं ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग तुमको प्राइवेट कॉलेज से अगर करना है तो मत करो, जॉब करो उसके साथ कंटिन्यू कर लो, समझे? कुछ क्लियर हुआ क्या? अगर ओके प्राइवेट सर कॉलेज में करना है तो डोंट स्पेंड योर 2 ईयर्स ठीक है, खराब है, कोई मतलब नहीं है, जॉब करते रहो, साथ ही साथ जाओ इंटरव्यू, बस पेपर देने चले जाना, करके चले आना बस। हाँ अगर NIT IIT में है तो उसका रीज़न बताता हूँ, क्योंकि वहाँ पर प्रोफेसर्स अच्छे होंगे ठीक है, तो यू विल लर्न फ्रॉम देयर कि ओके अच्छा कुछ नया चीज़ सीख के पाया ठीक है। ओके चलो सर ओके जी ठीक है, अभी नेक्स्ट समीर कुछ बोलना चाह रहे हैं, फिर ईजान कुछ बोलना चाह रहे हैं, चलो पहले समीर के ले लेता हूँ, फिर ईजान, फिर संदेश। हाँ समीर बोलो। सर एक था बताना था कि सर वो मॉर्निंग बैच का जो टाइम है ना सर बहुत बढ़िया है सर, इसमें ना ये काम मिलेगा ना जो सारा दिन में निकल जाएगा हो जाएगा सर, ये प्लीज ये मत चेंज कीजिएगा। ओके बट क्या होता है, देखो ये समीर हमेशा याद रखो ये सब माइंडसेट का खेल होता है ठीक है, मॉर्निंग हो या इवनिंग ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं चेंज कर रहा हूँ ठीक है अभी ठीक है, बस ये मैं तुमको बता रहा हूँ कि ये सब कुछ तुम्हारे माइंडसेट का गेम है ठीक है। इफ यू थिंक लाइक कि इवनिंग इज द बेस्ट, वो अपने आप बेस्ट होने लगेगा, इफ यू थिंक मॉर्निंग इज द बेस्ट, मॉर्निंग बेस्ट होने लगेगा। तुम अभी सेमेस्टर का एग्जाम देते थे, कोई भी टाइम होता था अपन माइंडसेट बना लेते थे ना, तो ये सब तो माइंडसेट का गेम है, उसका टेंशन मत लो और कोशिश तो यही रहेगी कि मॉर्निंग में ही रहे। अब मेरे लिए क्या है, मैं तो, तुम तो इवनिंग का भी लेक्चर ले चुके हो, क्या मैं इवनिंग में मेरा एनर्जी डाउन होता है क्या? नहीं, हमेशा एक्टिव रहता हूँ मैं ठीक है, एवरी दोनों पार्ट ऑफ सर माई डे। हमारा तो नहीं होता सर, हमारा ऐसा होता है ना कि जैसे सारा दिन काम कर लेंगे, प्रोजेक्ट कर लेंगे, लाइव लेक्चर देख लेंगे, इवनिंग में क्लास करेंगे तो फिर वहाँ फ्रेश नहीं होगा माइंड, हम जब सो उठेंगे फ्रेश फ्रेश माइंड से आपका लेक्चर देखेंगे तो फिर वो पूरा दोबारा जब करेंगे तो आसानी से हो जाएगा सर। ठीक है अभी ये तुमको पता है कुछ स्कूल्स में ऐसा हो गया है कि एक ही क्लास का बच्चों का पहले 7 बजे से 12 बजे तक स्कूल रहेगा, उसके बाद कुछ बच्चों का 12 बजे से लेकर 5 बजे तक स्कूल रहेगा, ऐसा पता है कि नहीं? 2 शिफ्ट में बैचेस होती हैं ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये सिर्फ माइंडसेट का गेम है ठीक है, फिलहाल मैं नहीं कर रहा हूँ, पर याद रखो कि ऐसा मत दिमाग में सेट किया करो कि ये चीज़ समय बेहतर रहेगा ठीक है। कभी कुछ नहीं होता, समय कुछ नहीं होता है, माइंड सब कुछ होता है। अगर हम 5 मिनट मेडिटेट कर लेंगे, मेडिटेशन करते हो नहीं ठीक है, 5 मिनट मेडिटेशन कभी करो, उसके बाद देखोगे पूरा कभी ठीक है। अभी मेरे पास इतना काम है पूरे दिन का, मुझे पता है बहुत काम है, लेकिन मेरे चेहरे पर कोई टेंशन दिख रही है क्या? रिलैक्स कर लेंगे है ना, और नहीं हुआ तो कौन सा हमारा राजधानी ट्रेन छूट जा रही है, होगा कल होगा ठीक है, रिलैक्स ठीक है, हो जाएगा, अगर इवनिंग में शिफ्ट हुआ तो करेंगे, अभी नहीं कर रहे डोंट वरी ठीक है। ओके सर, एक और बात बतानी थी कि बोलो सर वो सर जो कोटेशन का सर सैंपल वगैरह कुछ ऐसा भेज सकते हो क्या देख आप, लो मैं ही हाँ बना दूंगा मैं एडिट करके।
चलेगा भाई, मैं भेज देता हूँ कोई कोटेशन, ठीक है, तुम उसको बना देना, या फिर अभी मैं क्या बोलते हैं 1 अप्रैल के बाद थोड़ा सा फ्री हो जाऊँगा तो फिर मैं तुमको दे दूंगा, या तो ठीक है 1 अप्रैल तक तो थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ मैं, ठीक है ठीक है सर, चलो देख लीजिए, आप भेज चलेगा, सकते हैं तो भेज मैं दीजिए, कोशिश मैं करता भेज हूँ, दूंगा। चलेगा, ओके सर, थैंक यू। ओके। चलो ईजान कुछ बोल रहे हैं, इसके बाद संदेश कुछ बोल रहे हैं। हाँ ईजान बोलो, ईजान तुमको एक्सेल से मैं भेज दूंगा, मुझे पता है तुमको भेजना है, और कुछ और बताओ ईजान अहमद। चलो आवाज नहीं आ रही शायद, संदेश का मैं कॉल कर लेता हूँ, फिर इसके बाद नमस्ते करते हैं आज का बैच को। हाँ संदेश बोलो, संदेश ठीक है, आवाज नहीं आ रही किसी की, ठीक है कोई बात नहीं, अगर पूछ रहा है तो आप डीएम कर देना मुझे, ठीक है तो, ओके माइक की सुहर, कोई बात नहीं, मुझे मैसेज कर दो, पता नहीं क्यों आवाज़ नहीं आ रही है, ऐसा हो सकता है कुछ प्रॉब्लम रहा होगा, ठीक है। हैव अ गुड डे, एंजॉय योर डे विद कंप्लीशन योर असाइनमेंट्स, 55x55 का प्रोजेक्ट करना है, लेक्चर नंबर 4 वॉच करके एक्सेल सीट रेडी करना है, एक्सेल सीट का फॉर्मेट मैं ग्रुप में फिर से भेज दूंगा, जिसको दिक्कत होगी देख लेना, ठीक है चलो, ओके कोई बात नहीं, चलो हैव अ गुड डे।